बिहार के बक्सर में बवाल, लाठी चार्ज पर भड़के किसान, मुआवजा मांगने पर किसानों को मिली लाठी, गुस्साए लोगों ने फूंकी पुलिस की गाड़ियां। सुशासन बाबू की सरकार है ये, लेकिन तस्वीर आप देखेंगे तो सवाल उठाने लगेंगे। ये बक्सर में बवाल की तस्वीरें हैं। आखिर क्यों और क्या है वजह, चलिए हम आपको पूरी घटना बताते हैं। बताया जा रहा है कि किसान मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर उन पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। जानकारी के अनुसार बक्सर में चौसा पावर प्लांट के लिए किसानों से जमीनें ली जा रही हैं। इस जमीन के लिए किसान अच्छे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी हैं। आरोप है कि पुलिस रात के अंधेरे में किसानों के घरों में घुसी और उनकी जमकर पिटाई की। आरोप ये भी है कि पिटाई के बाद पुलिस कुछ किसानों को गिरफ्तार करके भी ले गई। हालांकि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस का क्रूर चेहरा दिख रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि रात के अंधेरे में पुलिस घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों को जमकर पीट रही है। जिनकी पिटाई की गई वो उन किसानों के घर वाले हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये वाकया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव का है। पुलिस के इस एक्शन ने लोगों को भड़का दिया। सुबह से लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्साए किसानों ने पुलिस वैन में आग लगा दी और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश भी की। दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थरबाजी भी हो रही है। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ग्रामीण हटने के लिए तैयार नहीं है। किसान 85 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।